अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी लेसन नंबर 4, द गिविंग ट्री. यस, ओपन पेज नंबर 40, एक्टिविटी नंबर इज 6. नाउ लेट्स स्टार्ट. गिव ऑपोजिट्स ऑफ द इन द गिवन स्पेस. क्या करना है इसको आपने? अपोजिट जो नीचे दिए हुए हैं वर्ड्स हैं, इनके हमने अपोजिट राइट करने हैं. अपोजिट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, हैप्पी. हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? हैप्पी मींस क्या होता है, खुश. तो इसका अपोजिट क्या होगा? सैड. तो यहाँ पे आप क्या राइट कर लोगे? सैड, एस ए डी, सैड. नेक्स्ट इज गिव. गिव मीन्स क्या होता है? देना. इसका अपोजिट क्या होगा? टेक. टेक मीन्स क्या होता है? लेना. टी ए के ई, टेक. ही क्लाइम्ड अप द ट्री. ही क्लाइम्ड अप द ट्री. वो दरख्त के ऊपर चढ़ा. ठीक है, प्ले. अब हम प्ले कब बनाएंगे? दे प्लेड फुटबॉल. वो फुटबॉल, वो सब उन्होंने क्या है, फुटबॉल खेला. ठीक है. नेक्स्ट है सेल. सेल का क्या आएगा? ही सेल टू सम अदर कंट्री. क्या है वो? है जो दूसरे कंट्री चला गया. ठीक है. रेस्ट. रेस्ट का क्या आएगा? सी रेस्टेड आफ्टर फिनिश द हैवी वर्क. उसे रेस्ट किया अपना, क्या है, उसने अपना हैवी वर्क काम करने के बाद रेस्ट किया. ठीक है. आगे हम करेंगे प्रनाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि प्रनाउन कैसे कहते हैं. ठीक है. प्रनाउन क्या होता है? ए प्रनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रनाउन क्या है? एक शब्द है. ठीक है, जो कि इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं. किसकी जगह में इस्तेमाल करते हैं? नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं. आपको पता है नाउन किसे कहते हैं? आपको बताया था, जो भी कोई भी थिंग हो, प्लेस हो, या कोई पर्सन हो, तो उसकी जो प्ले, वो सब क्या होते हैं? नाउन. तो उनकी जगह में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसको कहते हैं प्रनाउन. फॉर एग्जांपल द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स हैं वो प्रनाउन वाले? दे, शी, हर, ही. कैसे यूज़ करते हैं हम बता देती हूँ मैं आपको. फर्स्ट, जैसे कि हम कहें राम एंड साम आर प्लेइंग फुटबॉल, कि राम और, जिसमें लिख देती हूँ आपको, राम एंड श्याम वर प्लेइंग फुटबॉल. एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल, फुटबॉल. राम और श्याम क्या है? फुटबॉल खेल रहे हैं. फिर इसके साथ मैं बोलूँ दे आर क्यों खेल रहे हैं? दे आर फ्रेंड. वो कौन है? फ्रेंड है. इसीलिए फ्रेंड के साथ ही खेलते हो ना. राम और श्याम खेल रहे हैं. तो इसकी जगह हमने, देखो, राम और श्याम की जगह में हमने क्या यूज़ किया? दे यूज़ किया. इसकी प्लेस की जगह हमने क्या कर दिया? राम और श्याम की जगह हमने दे यूज़ किया. ठीक है. ऐसे बार बार तो नहीं बोलेंगे ना कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड. ऐसे तो नहीं कह सकते. तो एक बार हम नाम लेते हैं, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? प्रनाउन यूज़ करते हैं. तो राम और श्याम दो थे, इसीलिए हमने यहाँ पे उसके लिए दे यूज़ किया. दे क्या हो गया? प्रनाउन हो गया. राम क्या था? राम और श्याम कौन थे? ये नाउन थे. ठीक है. नाउन की जगह ये नाउन है और ये प्रनाउन है. तो राम और श्याम की जगह प्रनाउन क्या यूज़ किया हमने? दे. इसी तरह जो सेकंड था, शी. जैसे कहें हम सीता, सीता इज माई फ्रेंड. सीता मेरी फ्रेंड है.
ठीक है, शी इज गुड गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो क्या है सीता, क्या है नाउन है, नाउन है ना, नाउन है, तो नाउन की जगह हमने क्या यूज किया, शी। देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, सीता इज माई फ्रेंड, सी इज गुड गर्ल, कौन गुड गर्ल है, सीता गुड गर्ल है, तो सीता की जगह मैंने क्या यूज किया, शी यूज किया, तो शी क्या है, प्रोनाउन है, अंडरस्टैंड। नाउ जो थर्ड है हर, जैसे मैं बोलूँ जीनत इज गुड गर्ल, गुड गर्ल। हर फादर इज, हर फादर, फादर इज डॉक्टर। देखो जीनत है, जीनत इज गुड गर्ल, हर फादर, उसके पापा क्या है, डॉक्टर हैं। किसकी जगह यूज़ किया मैंने हर, जीनत की जगह यूज़ किया ना, ठीक है, हर फादर इसके, उसके पापा डॉक्टर हैं, तो किसके लिए यूज़ किया, जीनत के लिए। जीनत क्या थी, नाउन थी, ठीक है, ये नाउन है, नेम है, तो नाउन हुआ, तो इसकी जगह क्या आया, हर, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी तरह ही और ईट, ईट हम किसी भी थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ ए ब्लू पेन, है ना, ईट मेड बाय प्लास्टिक, ये किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की, ईट, ईट बोला ना मैंने, तो पेन की जगह मैंने यूज़ किया ईट, तो इस तरह इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, जो भी किसी भी नाउन की जगह में, किसी कोई भी नाउन हो उसकी जगह में कोई वर्ड यूज होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड्स दे, शी, ही, इट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, वी कॉल प्रोनाउन्स, देयर आर थ्री मेन काइंड ऑफ प्रोनाउन्स, इनके मेन काइंड कितने हैं, मेन किस्म में कितनी है, थ्री, वैसे तो ये सिक्स टाइप के होते हैं लेकिन इनकी मेन चीज़ें, मेन है जो वो थ्री हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रनाउन, फर्स्ट क्या है, पर्सनल प्रनाउन, पर्सनल प्रनाउन क्या होता है, जो कि हम खुद अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रनाउन कैसे, पर्सन ही यूज़ करते हैं, ठीक है, इंसान, मतलब कि इंसान अपने लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है पहले, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जैसे मैं बात कर रही हूँ, अपने बारे में बात करूँगी, ठीक है, जैसे मैं, हम यही बात करूँगी, मेरा, तो हम कैसे बोलेंगे, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, ये मैं पर्सन अपने लिए यूज़ करूँगी ना, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात करता है उस, वो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि खुद, ठीक है। और जिसके प्लूरल क्या हुए, आई का वी, माई का आर, माइन का आर्स, मी का अस, माई सेल्फ का आर सेल्फ, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, ओके, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी आर, आर्स, यू, आर सेल्फ, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि प्रनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट है प्रनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ किससे साथ कर रही हूँ, आपके साथ कर रही हूँ ना, आप सबके साथ, तो मैं आपके बारे में बोलूँगी यू, योअर्स, योर सेल्फ, योर, यू, योअर्स, योर सेल्फ, योर, ऐसी बोलूँगी ना, ठीक है, तुम्हारे लिए, तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जो तीसरा पर्सन है, यानी तीसरे इंसान के लिए यूज़ करें हम, जैसे ही, शी, जो हमारे सामने नहीं है, हम दो दो आपस में बात कर रहे हैं, मैं हुई फर्स्ट पर्सन, आप क्या हुए, सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन, जो थर्ड किसी और के बारे में बात करेंगे उसको क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट, हिम, हर, देम, देयर, देयर्स, ठीक है, ये था हमारा पर्सनल प्रनाउन।
हम पर्सनल प्रोनाउन के रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी नंबर है 8, ठीक है। तो डैश ऑफन रीड्स अंटिल लेट एट नाइट। डैश है जो किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो रीड करता है अंटिल लेट एट नाइट, रात तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है आप बताओ? ये हमने पर्सनल प्रोनाउन में से भरना ही, अमन, मीना, दे, क्या आएगा? देखो अमन और मीना क्या है, ये तो नाउन आ गए, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। अब रह गए दो हमारे पास, ही और दे। देखो ये ऑफन रीड अंटिल लेट एट नाइट, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि एक एक पर्सन मतलब ये रीड करता है, स्टडी करता है, तो ये इसमें इसके लिए ही आएगा, ठीक है। दे नहीं आएगा, दे कब आता है? जब ज़्यादा पर्सन हो, तो यहाँ पे आएगा ही, यहाँ पे ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है डैश इज रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, द कैट, शी, माई ब्रदर, यू। कि जो डैश है वो रनिंग अप, वो भाग जा रहा है, भाग रहा है, एंड डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर के नीचे भाग रहा है, नीचे उतर रहा है, दौड़ रहा है। तो कौन दौड़ रहा है? द कैट, जो कैट है ये तो नाउन हो गया, ये नहीं आएगा। शी, शी तो गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। माई ब्रदर, शी किसके लिए यूज़ करते हैं? गर्ल के लिए। माई ब्रदर, मेरा भाई, ये भी क्या है? नाउन आ गया, यू, तुम हो गए। यू क्या है? ये प्लूरल हो गया, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो इसके लिए यू के साथ आर आता है हमेशा, या तो इज है, मीन्स एक पर्सन होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सी, यहाँ पे आप सी लिख लोगे। नेक्स्ट है डैश इज़ फ्रॉम मुंबई, जो डैश है वो मुंबई, मुंबई से है। कौन? रोजी, रोजी तो नाउन है, ये नहीं आएगा। माई फ्रेंड, फ्रेंड तो ये भी नाउन है, नहीं आएगा। तो ही, और यह द स्टैचू, स्टैचू भी द नाउन है, ठीक है, नाउन है। और ही क्या है? ओनली यही रह गया पर नाउन, तो यही आ जाएगा, ही इज़ फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट है हैव डैश गॉट ए डॉग, मीना क्या तुम्हारे पास, क्या डैश गॉट ए डॉग मीना, कि मीना, मीना को पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई डॉग है, कोई एक डॉग है, तो कोई है ना, तो इसमें क्या आएगा? एनी वन, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।